अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी यहाँ पे मैं रात का डिनर बना रही थी, तो डिनर में सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा पूरी बनाया जाए। तो मैं यहाँ पे आलू और मटर की सब्ज़ी बना रही थी, हालांकि मटर से ज़्यादा गले नहीं हैं, लेकिन अभी है ना मैं आलू को, अक्खे आलू को उसमें डाल के फिर 5 या 6 सीटी दे दूंगी तो अच्छी तरीके से गल जाएगा। और इसमें डालने के लिए मैं मसाले में हरी मिर्ची, लहसुन और टमाटो, थोड़ी सी कोथिंबीर ली हूँ पीसने के लिए। तो सभी मिला के एक बार मिक्स कर देंगे तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। पूरी बना के रख चुकी हूँ और यहाँ पे अभी इतना आटा है और यहाँ पे गल रहे हैं आलू और बटाने और यहाँ पर है तेल। ये तेल ऐसा क्यों है गंदा, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हमारे साइड में ये वाली मिर्ची रहती है, बनाते हैं दही की मिर्ची बोलते हैं इसको, तो ये वाली मिर्ची फ्राई करी थी इस वाले तेल में, तो इसका वो दही लगता है। तो चलिए करंट तो चला गया, तो जी यहाँ पे करंट तो चला गया। दिखाऊंगी आपको बाहर का नज़ारा, देख लीजिए कितना डरावना लग रहा है बाहर, एक लाइट भी नहीं है। हालांकि हमारा ये वाला लाइट है ना, जो इसका सोलर बोलते हैं ना, वो वाला है। तो हवा तो बहुत, देख लीजिए आप, हवा बहुत ख़राब छुट्टी है। और यहाँ घर में मैं और आहिल दो ही जन हैं, तो डर भी लगता है कभी कभी। तो देख लीजिए बारिश तो नहीं है, फिर भी ऐसा मौसम रखा है यहाँ। देख लीजिए एक बार दिखाऊँगी कभी नज़ारा, कौन कौन भी नहीं रहते यहाँ पे, एक भैया रहते हैं भाड़े पे और कोई नहीं। वहाँ पे लाइट दिख रहा आपको, वो सोलर का है और पूरा अंधेरा। मैं ये फोकस डाली हूँ यहाँ पे लेट कर, तो देख लीजिए यहाँ पे पर्दा कैसा हल रहा है। तो चल आहिल ऐसा करके देख लीजिए यहाँ पे कैसी हवा आती है। तो अभी मेरे तेल भी गर्म हो रहा है, तेल गर्म होने के बाद इतनी पूरी फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे। जा सामने का दरवाजा बंद करता था। तो मैंने पहले देखती हूँ तेल गर्म हुआ कि नहीं बोल के, उसके बाद है ना, तो यहाँ पे मैं पूरी रख ली हूँ, क्योंकि वहाँ पे से दूर हो रहा था मुझे, और वैसे भी गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। तो तेल तो मेरा गर्म हो चुका है, अब डालेंगे पूरी। तो जी मैंने यहाँ पे एक पूरी बना ली थी, वो ज़्यादा फूली फूली नहीं बनी, इसलिए मैं वो कट कर दी वो वाला सीन। तो सेकंड वाली पूरी है ना, देख लीजिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पूरी है। हालांकि ये है ना गेहूं का आटा, नॉर्मल जो आटा रहता है चपाती का, वो आटा है, ना कि मैदे का आटा, ना तो मैं इसमें सोडे का बुकनी डाली हूँ, कुछ नहीं। माशाल्लाह अच्छा फूली फूली आती हैं और हेल्दी भी रहती है। तो कभी कभार बना के खाएंगे ना, तो मैदे के आटे से ज़्यादा ये वाला आटा बना के खाए तो ही अच्छा है। तो देख लीजिए पहली वाली पूरी तो बन के तैयार है, और सेकंड वाली और ये थर्ड वाली, माशाल्लाह पूरे पूरियाँ मेरे अच्छी तरीके से फूल चुके थे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे आलू और बटाने गल चुके हैं, इसमें अभी मैं तेल मसाला कुछ नहीं डाली, अभी डालूंगी इसमें तेल मसाला। तो पहले से तेल यहाँ पे गरम है, तो थोड़ा बहुत तेल डालूंगी, हल्दी पाउडर जो भी मैं पीस के रखी हूँ ना दिखाऊंगी। तो जी मैं यहाँ पे इसमें डाली हूँ लहसुन, हरी मिर्ची, हरिया धनिया, टमेटो और हरी मिर्ची, ये प्याज, तो इसमें मैं मिक्स कर दूंगी अभी। वो यहाँ पे वो करंट नहीं रहने का नतीजा है, यहाँ पे देख लीजिए करंट ही नहीं है, बिजली बारिश बहुत हो रही है। तो अभी इसमें मैं है ना अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी, अभी तेल भागूंगी। पहले मुझे पता था करंट जाएगा, इसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी मसाला पीस लिया था। छोड़ बा, नमक तो नहीं डालूंगी, क्योंकि नमक मैं डाल के गलाई थी ना इसकी वजह से। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डालूंगी, हल्दी पाउडर डालने से ना इसका कलर अभी चेंज होगा। तो भी मैं हरिया रहती हूँ ना, हरी मिर्ची डाली हूँ, तो इसका कलर ऐसे ही आने वाला है यार, और टेस्टी लगता है ये। अब थोड़ा सा मैं इसमें तेल डालूँगी और ये मिक्सर है ना धो के दाल डालूँगी थोड़ा, और 2-3 सीटी लगा डालूँगी। तो जी फाइनली यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है, माशाल्लाह देखो कितनी अच्छी लग रही थी। और थोड़ा सा कोथिंबीर रहता ना तो ऊपर से डाले तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन नहीं था मेरे पास, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी। और यहाँ पे थोड़ी सी है ना कुकर को लगी थी नीचे, क्योंकि आलू रहता है ना इसकी वजह से, कोई ना कुछ नहीं होगा।
तो सब्जी है ना ज़बरदस्त बनी थी, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। सिंपल सी रेसिपी है और ऐसे बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा प्लेट लग चुका था और मैं आपको दिखा रही थी कैसी सब्जी बनी है और कैसी पूरी बनी है। तो देख लेना, मैदे का आटे की पूरी बनती है ना, वो उतनी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो अच्छा ऐसे बने रहना। फाइनली हमारी प्लेट बन के तैयार हो गई। आहिल के पापा भी नहीं आए, वो आते हैं अभी 10 बजे को, 10 साढ़े 10 को, तब तक हम खा लेंगे। आहिल भी खा रहा है, तो यहाँ पे करंट नहीं है, इसके वजह से अब मेरी प्लेट लग गई है और बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनी है रेसिपी। और ये है मेरा निवाला, चाहिए तो आप आ करो। तो अच्छा लगा तो आप भी एक बार ज़रूर बना के खाना। इसमें मैं कुछ भी नहीं डाली, सिंपल से बनाई हूँ और करंट जाने के बावजूद सिंपल से बनाई हूँ और टेस्टी भी बनाए। तो चलिए कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।